The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So we are talking about dementia. Dementia matlab brain function kam ho jana. Dimag sahi se kaam nahi karna, kuch yaad nahi rehna, thinking mein problem aana, बोलने में प्रॉब्लम आना, जजमेंट में प्रॉब्लम आना, लैंग्वेज बिहेवियर में प्रॉब्लम आना. सो इट अफेक्ट्स योर मेमोरी, योर थिंकिंग, योर लैंग्वेज, योर जजमेंट, योर बिहेवियर. सो डिमेंशिया मतलब लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शंस बिकॉज ऑफ बीमारियां. ऑब्वियसली डिमेंशिया एक साइन है, ये बीमारी नहीं है, ये एक सिम्टम है, साइन सिम्टम है, राइट. तो इसका कारण ढूंढना पड़ता है एज यूजुअल. सो बिल्कुल जैसे जॉन्डिस है एक साइन है, सो डिमेंशिया का कारण क्या है? सबसे बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिमेंशिया यूजुअली बीमार बूढ़े लोगों में, यानी ओल्ड एज में होता ही होता है, सबको होता है. उम्र के साथ ब्रेन फंक्शन कम होता है, लेकिन जवानी में भी हो सकता है. ज़्यादातर लोगों को 60 की उम्र के बाद डिमेंशिया होता है, और डिमेंशिया का रिस्क बढ़ता जाता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है. ज़्यादातर जो डिमेंशिया होता है वो इररिवर्सिबल होता है, वो नॉन रिवर्सिबल होता है, वो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर. डीजेनरेशन मतलब दिमाग की जो वो है न्यूरॉन्स, वो डीजनरेट होती है एक उम्र के बाद, होना ही होना है, सबको जाना है. तो वो एक उम्र के बाद डीजनरेट होने लगती है, वो नॉन रिवर्सिबल है, मतलब कि आप उसको बदल नहीं सकते, वापस उसको ठीक नहीं कर सकते. अल्जाइमर्स डिजीज एक टाइप है, कॉमन टाइप है, कॉमन कारण है डेमेंशिया का. अल्जाइमर सुना होगा नाम, बुढ़ापे में होती है, राइट. और दूसरी बीमारी है, मोस्ट कॉमन सेकेंड टाइप है उसका, वैस्कुलर डेमेंशिया. वैस्कुलर का मतलब है कि दिमाग में खून ही कम जा रहा है. खून बहुत ज़रूरी है, जिसके वजह से जो ब्लड फ्लो कम होता है वो हो सकता है आपके किसी तरीके का स्ट्रोक हुआ है, एथरोस्क्लेरोसिस हुआ है, ब्लड क्लॉट आया है, खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, राइट. ये सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है. इसके ऊपर, सबके ऊपर हमारे वीडियोज़ हैं, यहाँ पर भी, यूट्यूब पर भी ज़रूर देखिएगा. यूट्यूब पर हमारे चैनल का नाम है डॉक्टर एजुकेशन, मेक श्योर. और डिमेंशिया में एक और बीमारी है जिसका नाम है, स्ट्रोक में डेमेंशिया होता है, अल्जाइमर्स में डेमेंशिया होता है, लेवी बॉडीज डिजीज करके एक डेमेंशिया है. ये भी एक कॉमन कारण है बुढ़ापे में, लेवी बॉडीज पाई जाती है दिमाग में. ये एक एबनॉर्मल टाइप का प्रोटीन है जो दिमाग के कुछ एरिया में डिपॉजिट हो जाता है. और भी कई सारी बीमारियां हैं जो डेमेंशिया करती हैं, जैसे कि कोई ब्रेन में इंजरी हो जाए, ऑब्वियस सी बात है चोट लगेगी तो डेमेंशिया होगा. हंटिंगटन्स डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस नाम की बीमारियां होती हैं, इन्फेक्शन के वजह से हो सकता है, सिफिलीज, HIV, लाइम्स डिजीज, ये सारे ब्रेन के अंदर घुस जाते हैं इन्फेक्शन. पार्किंसंस डिजीज, पिक्स डिजीज, प्रोग्रेसिव सुप्रा न्यूक्लियर पाल्सी. बोलेंगे सर ये सब हमें क्या समझता, भाई बताना तो पड़ेगा. पर समझने वाली बात है कि सबसे कॉमन कारण जो है कुछ प्रकार के डेमेंशियाज जो है, जिनके कारण आप रिवर्स कर सकते हो, जिसको ठीक कर सकते हो, जो जैसे हुआ हो रहा है वैसे ठीक कर सकते हो. सबसे जरूरी जानने वाली, प्रिवेंशन वाली बात, नंबर वन, ब्रेन इंजरी को रिवर्स किया जा सकता है, मतलब उसको ठीक प्रिवेंट किया जा सकता है. उसके बाद ब्रेन ट्यूमर्स ब्रेन इंजरी को जल्दी पकड़ लें तो उसको रोका जा सकता है. दारू पीना, जी हाँ, दारू, लॉन्ग टर्म क्रोनिक अल्कोहल से आपका दिक्कत होती है ब्रेन में, आपके डिमेंशिया होने के चांसेस होते हैं ब्रेन में, परमानेंट डैमेज, तो वो आप रोक सकते हैं. ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ब्लड शुगर, ब्लड सोडियम, ब्लड कैल्शियम, ये तीन लेवल्स आपके ब्रेन को इफेक्ट करते हैं, शुगर, सोडियम, कैल्शियम. तो शुगर लेवल्स कम करिए, डायबिटीज तो नहीं है. सोडियम लेवल्स सही मात्रा में, नमक खाना है, ज़्यादा नहीं, कम नहीं. कैल्शियम लेवल्स, विटामिन डी और कैल्शियम चेक कराना है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये मेटाबॉलिक कॉजेज हैं डेमेंशिया के. B12 की डेफिशिएंसी की वजह से भी डेमेंशिया होता है. B12 आपके न्यूरोनल, दिमाग के फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो B12 डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है. विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है. फिर दिमाग के अंदर हाइड्रोसिफेलिस हो जाए तो भी होता है, नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसिफेलिस, और कई दवाओं के वजह से भी होता है, जैसे कि सिमेटिडीन और कोलेस्ट्रॉल की दवा. जी हाँ, कोलेस्ट्रॉल की दवा बहुत ज़्यादा लंबे समय में दिक्कत करती है, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए. कोलेस्ट्रॉल की दवा के साइड इफेक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा हैं. और कुछ ब्रेन के इन्फेक्शंस हमने ऑलरेडी बताए. तो ये सारे के सारे कारण हैं डेमेंशिया होने के. बट कैसे पता चलेगा कि आपको डेमेंशिया है, किसको डेमेंशिया है कि नहीं है, व्हाट इज द एक्चुअल रीजन, व्हाट इज द एक्चुअल सिम्टम, साइन सिम्टम, लक्षण. सो जब डेमेंशिया होता है तो उसमें मेंटल फंक्शन में प्रॉब्लम आएगा, दिमाग के फंक्शन में डिफिकल्टी आ सकती है, और कई सारे एरियाज में आ सकती है, इंक्लूडिंग मान लीजिए आपके बिहेवियर में प्रॉब्लम आ रहा है. सो बिहेवियरल
इमोशनल बिहेवियर, पर्सनैलिटी, लैंग्वेज, मेमोरी, परसेप्शन, थिंकिंग, जजमेंट, कॉग्निटिव, इस सब में इशू आएगा. मतलब सही तरीके से सोच नहीं पाओगे, लगेगा यार पता नहीं मेरे को याद नहीं आ रही चीज़ें, मेरे को कभी लैंग्वेज में वर्ड्स याद नहीं आएंगे या गलत से निकलेंगे, वट एवर यू कैन सी कि ये सारी चीज़ों में मेमोरी से लेके इमोशनल बिहेवियर, गुस्सा आने लगेगा या इमोशनल इम्बैलेंस होगा, इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम आ सकती है. ज़्यादातर शुरुआत इसकी भूल जाने से होती है कि मैं भूल गया यार वो कुछ तो था, मैं भूल गया. सो ज़्यादातर शुरुआत भूल जाने से होती है और इसके फिर टेस्ट किए जा सकते हैं. कुछ मात्रा में जो माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट की बात हुई, वो एक स्टेज है जिसमें के थोड़ा बहुत नॉर्मल फॉरगेटिवनेस जिसको होती है, भाई यहाँ सब भूलते हैं, कोई ज़िंदगी भर हर चीज़ याद नहीं रखता, राइट, परसों क्या खाया था, उससे पहले क्या क्या किया था, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ऐसा याद हमेशा हर एक को नहीं रहता. गर्लफ्रेंड की या बीवी की बर्थ या दूसरी एनिवर्सरी याद नहीं रहती, हम सब समझते है कि नहीं, उसमें कोई दोराय नहीं, आपको कोई डेमेंशिया नहीं है. लेकिन हो सकता है, क्या हो सकता है, डेमेंशिया. उसके ऊपर जब डेवलपमेंट होने लगे डेमेंशिया का, तो वो माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट जिसको होता है, उनमें थिंकिंग और मेमोरी आपकी डेली एक्टिविटी पे इंटरफेयर नहीं करती. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट में डेली एक्टिविटीज में इंटरफेरेंस नहीं होता, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, इन्हें आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे. लेकिन अगर फॉरगेटिवनेस ज़्यादा हो रहा है, बहुत भूल रहे हो, तो जाके टेस्ट करवाओ, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. सबको नहीं होता है, राइट. और ये भी नहीं होता कि जिसको माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है उसको डेमेंशिया होगा ही होगा, ये रिमेंबर करिए. इसके अलग अलग स्टेजेस, डिपेंड करता है कारण पे. तो माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट कैसे पता करोगे, अगर आपको एक टास्क से ज़्यादा एक बार में करने में डिफिकल्टी, मल्टीटास्किंग में प्रॉब्लम आ रही है, अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व या डिसीजन मेकिंग में डिफिकल्टी आ रही है, अगर आप भूल रहे हो बिल्कुल रिसेंट इवेंट या थोड़े देर पहले के कन्वर्सेशन जो आपने अभी करे वो भूल जा रहे हो, या फिर अगर आपको ज़्यादा समय लग रहा है वही काम करने में जो आप पहले जल्दी कर पाते थे, मेंटली फिजिकली नहीं, ये होते हैं. और डेमेंशिया जब होने लगेगा, अर्ली सिम्टम का क्या आएगा, आपको वही टास्क में और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ेगी, थॉट प्रोसेस बढ़ जाएगा. जैसे कि एक चेकबुक रखना पड़ जाएगा, आप जब गेम्स खेलते हो उसमें दिक्कत आ जाएगी, राइट. या नए चीज़, नए इन्फॉर्मेशन, नए रूटीन को प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम आ जाएगी, या आप कोई पुराने काम करते हुए भूल जाओगे, लॉस्ट हो जाओगे, नहीं कर पाओगे, राइट. या फिर लैंग्वेज प्रॉब्लम आएगी, यानी किसी चीज़ का जिसका नाम याद होना चाहिए वो याद नहीं रहेगा, अरे इसका क्या नाम था, अरे या इसका तो नाम पता होना चाहिए, है कि नहीं, वो भूल जाएंगे ऐसे. और या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपको पहले बहुत मज़ा था, अब इंटरेस्ट ख़त्म, सीधा फ्लैट मूड, अब मज़ा ही नहीं आ रहा, चाहे वो सेक्स ही क्यों ना हो, राइट, समथिंग लाइक दैट. और कई बार मिसप्लेस करोगे आइटम मिसप्लेस, फ़ोन रख के भूल गए, गाड़ी की चाबी घूम गई, यार ये तो बहुत हो रहा है आजकल. सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट, ये क्या है, राइट, रिमेंबर दिस. सो पर्सनैलिटी चेंजेस भी होती हैं, लॉस ऑफ सोशल स्किल्स भी होता है, और इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर भी हो सकता है. फिर ये है इनिशियल. जैसे जैसे फिर डेमेंशिया बढ़ेगा, आपके सिम्टम बढ़ते जाएंगे और आपकी डेली एबिलिटी अपने आप को देखभाल करना, अपना काम करने से इंटरफियर करेगा, तब क्या होगा, आप जल्दी जल्दी आप सो नहीं पाओगे, आप बीच बीच रात को उठ जाओगे, जल्दी उठोगे, आपको बेसिक टास्क जैसे अपने खुद का खाना बनाना, अपने खुद के कपड़े पहनने, ड्राइविंग करना, उसमें डिफिकल्टी आएगी, नहीं कर पाओगे ज़रूरी नहीं है, डिफिकल्टी आनी शुरू हो जाएगी, गाड़ी चलाते हुए बैलेंस हो रहा है, यार ये क्या हुआ, मेरे से एक्सीडेंट कैसे हो रहे हैं, समथिंग लाइक दैट. आप कई करंट चीज़ों की डिटेल्स भूल जाओगे, करंट चीज़ों की डिटेल्स, ये कुछ अपने लाइफ की हिस्ट्री भूल सकते हो, सेल्फ अवेयरनेस भूल सकते हो, कुछ हेलुसिनेशंस आ सकते हैं आगे चल के, आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हो, आप वायलेंट हो सकते हो, ये सब हो सकते हैं. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड. या फिर कई बार रीडिंग एंड राइटिंग में डिफिकल्टी आनी शुरू हो सकती है, जजमेंट में प्रॉब्लम, कुछ डेंजर होने वाला है सामने, उसको पहचानने में प्रॉब्लम, गलत वर्ड इस्तेमाल, दूसरे का नाम ले लिया, बीवी के सामने दूसरी लड़की का नाम ले लिया, फंस जाओगे, बहुत बहुत मार खाओगे, है कि नहीं, जस्ट किडिंग. सो दैट इज समथिंग विच यू शुड अंडरस्टैंड, राइट. या सही तरीके से नाम नहीं लिया, वर्ड करेक्टली प्रोनाउंस नहीं किया, सेंटेंस कन्फ्यूज कर दिया, कोई सोशल कॉन्टैक्ट से बिहेवियरल आपका हट गया, कोई ऐसी चीज़ें हो सकती है. और जिसको सिवियर डेमेंशिया हो गया, सिवियर ब्रेन फंक्शन कम, वो अपनी डेली एक्टिविटी खुद नहीं कर पाएगा, या डिफिकल्टी होगी जो खाना खाना, कपड़े पहनना, नहाना, वो नहीं कर पाएगा, फैमिली मेम्बर्स को भी नहीं पहचान पाएगा, ये मेरे माता पिता है, भाई बहन है, बच्चे हैं, राइट, लैंग्वेज नहीं समझ पाएगा, ये सिवियर डेमेंशिया इज डेंजरस थिंग, राइट. सो अर्ली साइन पकड़िए, ठीक करिए.
और जो सिम्टम्स है वो कई बार मोशन वाले भी होते हैं, बॉवल मूवमेंट कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, खाना निगलने में प्रॉब्लम हो रही है. सो इसको डायग्नोस करना बहुत जरूरी है. सो डेमेंशिया डायग्नोस करने के लिए कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन के साथ नर्वस सिस्टम एग्जामिनेशन होता है. आपको न्यूरोलॉजिस्ट आपके सारे मेंटल फंक्शन चेक करते हैं, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, और बहुत सारी बीमारियों के लिए टेस्ट होते हैं. सबसे कॉमन खून की कमी, ब्रेन ट्यूमर, कोई क्रोनिक इन्फेक्शन, कोई दवाइयों से, कोई इंटॉक्सिफिकेशन, कोई डिप्रेशन, कोई थायराइड, कोई विटामिन डेफिशिएंसी, ये सारी बीमारियों के लिए टेस्ट होते हैं. तो टेस्ट B12 का होगा, अमोनिया लेवल होगा, सीरम ब्लड की केमिस्ट्री, ब्लड ग्लास एनालिसिस, पीठ से आपके ब्रेन का फ्लूइड, सेरिब्रोफाइनल फ्लूइड निकाला जाता है. दारू तो नहीं पीते, तो टॉक्सिकोलॉजी, कोई ब्लड में टॉक्सिन तो नहीं है, उसकी स्क्रीनिंग होगी, सीटी स्कैन होगा, ईईजी होगा, मेंटल स्टेटस टेस्ट होगा, एमआरआई ब्रेन होगा, आपका थायराइड फंक्शन होगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यूरिन एनालिसिस होगा, ये सब होगा. फिर पिन पॉइंट किया जाएगा भाई कहाँ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, कौन पंगे कर रहा है आपके दिमाग के साथ, उसको ठीक. ट्रीटमेंट ऑब्वियसली डिपेंड्स अपॉन द कॉज. खून की कमी तो उसको ठीक, विटामिन की कमी तो उसको ठीक, ब्रेन में ट्यूमर उसको हटाओ, वॉट एवर इट इज उसको भगाओ. सो कई बार दवाइयों की वजह से दिक्कत होता है, तो डेमेंशिया की दवाइयाँ, कई बार डेमेंशिया की दवाइयाँ शुरू करनी पड़ती है और उसके वजह से भी दिक्कत होने लगती है, तो उसको भी बंद करना पड़ सकता है. टाइम के अनुसार ये देखना पड़ता है, समय के अनुसार क्या हो रहा है, राइट. और कुछ मेंटल एक्सरसाइजेस करनी होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको आपके न्यूरोलॉजिस्ट बताएंगे, वो आपको मेंटल एक्सरसाइज आपके स्टेज, आपके कंडीशन के हिसाब से. अगेन, हर एक बीमारी जो दूसरी बीमारियां हैं, खून की कमी, हार्ट का, हार्ट फेलियर, डिप्रेशन, ऑक्सीजन की कमी, इन्फेक्शन, न्यूट्रिशनल, थायराइड, इन सबको ठीक करना पड़ता है, तब जाके डेमेंशिया में बेटर होता है. मेडिसिन से आपका प्रोग्रेस स्लो किया जा सकता है, और बिहेवियरल लॉस ऑफ जजमेंट कंट्रोल उसको भी किया जा सकता है. इन प्रॉब्लम्स के लिए बिहेवियरल सेशंस होते हैं बहुत सारे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. उसको सपोर्ट चाहिए होता है फैमिली का, फैमिली ग्रुप को समझना चाहिए, फैमिली को डॉक्टर के साथ पास जाना चाहिए, अपने पॉइंट्स रखने चाहिए, अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख के जाना चाहिए, सबके सवाल के जवाब लेने चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है, राइट. सो डेमेंशिया ये है, और डेमेंशिया बहुत इजीली प्रिवेंट किया जा सकता है. आपको करना क्या है, हेल्दी फूड खाना है, रेगुलर बैलेंस डाइट लेना है, बैलेंस डाइट के अलावा स्मोकिंग बंद करनी है, दारू पीना बंद करना है, एक्सरसाइज करनी है, हाई ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल करना है, वजन कंट्रोल करना है. क्या बड़ी बात है, बताओ, इतना कर लोगे तो डिमेंशिया प्रिवेंट होगा, अगर नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी. तो दिस इज द मेन थिंग, राइट. क्रोनिक ब्रेन सिंड्रोम बोल लो, लेवी बॉडी डिमेंशिया बोल लो, वेस्क्यूरल डिमेंशिया, माइल्ड कॉग्निटिव इंपेयरमेंट, यही है, ये डिमेंशिया या अल्जाइमर डिजीज का पहले का पार्ट है. बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है जो समझना चाहिए, अगर आपको नहीं समझ आया फिर से सुन लो, लेकिन इट्स इंपॉर्टेंट. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कोई सवाल है तो जरूर लिखिए, और फिर बात करेंगे आपसे.